नमस्कार, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजू नारायण। भारत एट नाइन में आज बात हम कर रहे हैं देश के सबसे बड़े मुद्दे की, क्योंकि एक बार फिर से एक ऐसा कानून आया है जिसके खिलाफ सड़कों पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। देश भर में इस वक्त फिर हालात 2020 जैसे नजर आ रहे हैं। जब किसानों के लिए नया कानून कृषि बिल लाया गया था और किसानों ने पूरी दिल्ली को तीनों तरफ से घेर लिया था, करीब डेढ़ साल तक चला, जिसके बाद आखिरकार सरकार बैकफुट पर आई और तीन कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर देश में नजर आ रही है और यहां भी एक कानून की वजह से हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चक्का जाम वाली स्थिति है, जो ट्रक है, जो बसें हैं, जो यात्री हैं, वो पूरी तरीके से परेशान है। ट्रक क्योंकि माल लोड नहीं कर रहे हैं, बसें क्योंकि चल नहीं रही है, यात्री इसलिए परेशान है क्योंकि उन्हें इधर से उधर आगमन करना है। तो ये तस्वीर फिलहाल देश में नजर आ रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब ये भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून भी बन चुका है। हालांकि इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देश भर में विरोध हो रहा है। नया साल आया और इस नए कानून के तहत जो विरोध है वो भी लगातार जारी है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की कैद का सजा का प्रावधान है। सजा के साथ जुर्माना भी भरने का प्रावधान है। करीब 7 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और नए कानून में ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई वाले प्रावधान को लेकर ड्राइवर लगातार विरोध कर रहे हैं। हिट एंड रन का नया कानून क्या है आगे आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो देश में किस चीज की किल्लत हो सकती है भविष्य में अगर ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चलता रहा तो। वैसे तो हर जगह शासनादेश है कि लोगों को ये कहा जाए कि पैनिक की स्थिति ना बनने दे, पैनिक में ना आए, क्योंकि जो भी सामान है, खाद्य आपूर्ति पूरी तरीके से है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, ट्रक एक ऐसा माध्यम है जो ऑल ओवर इंडिया में जिसे चीज़ें सप्लाई होती हैं, चाहे वो हम रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो दूध की हम बात कर लें, चाहे हम सब्जियों की बात कर लें, फलों की बात कर लें, जो रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनकी हम बात कर लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्हीं ट्रकों के माध्यम से जो पेट्रोल डीजल है वो पहुंचता है पेट्रोल पंपों तक, अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिला तो क्या जो प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से ठप हो जाएंगे, क्योंकि रोडवेज बस तो पूरी तरह से ठप हो रखी है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हालात दयनीय हो जाएंगे, चीज़ें महंगी हो सकती हैं, आने वाले समय में लोग स्टॉक करना शुरू कर देंगे। आज कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, लोग सड़कों पर लाइनों में पेट्रोल भरवाते हुए नज़र आ रहे थे। उनके मन में ये डर है, उनके दिमाग में ये डर है कि कहीं आने वाले समय में ये प्रदर्शन जो है अनिश्चितकालीन चला गया तो फिर पेट्रोल और डीजल कैसे भरवाएंगे, हम कैसे रोज़मर्रा के काम कर पाएंगे, ऐसी पैनिक की सिचुएशन है। हालांकि हम आपसे ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि पैनिक ना होइए, क्योंकि इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई ना कोई इस पर जो बयान है वो सामने आएगा, उस बयान का हमें इंतज़ार करना होगा। हालांकि प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, लेकिन जैसे दूध जैसी चीज़ें हैं हो गई, ब्रेड हो गया, सुबह का जो नाश्ता हो गया जिससे हमारी सुबह होती है वो तो रोज़ाना दुकानों पर पहुंचता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है तो रोज़ाना पहुंचाना भी पड़ता है। अगर वो नहीं पहुंचेगा तो फिर कैसे हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में हुआ था ना, जब कोरोना जैसी स्थिति हो गई थी, लॉकडाउन लगने वाला था, लोगों ने चीज़ें खरीद खरीद के अपने पास रख ली। हालांकि तब ऐसे नहीं थे, एसेंशियल सर्विस पहुँच रही थी, उसके बावजूद भी लोगों ने पैनिक दिखाया। और अब तो एसेंशियल सर्विस कैसे पहुंचेगी जब ट्रक यूनियन पूरी तरह से हड़ताल कर रहे हैं, ड्राइवर हड़ताल पे चले गए हैं, जो रोडवेज बस ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं, जब बसें चलेंगी नहीं, ट्रक चलेंगे नहीं तो सामान कैसे पहुंचेगा? आप होम डिलीवरी भी कैसे करवाएंगे? होम डिलीवरी वालों के पास भी तो सामान ट्रकों से ही पहुँचता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप घबराइए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और हिट एंड रन का नया कानून क्या है ज़रा वो भी समझ लेते हैं। हिट एंड रन का सीधा सा अर्थ है कि दुर्घटना के बाद ड्राइवर का गाड़ी के साथ मौके से भाग जाना।
अगर किसी गाड़ी से किसी को टक्कर लग गई, घायल की मदद करने के बजाय ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है, तो ऐसे केस को हिट एंड रन में गिने जाते हैं। सलमान खान का अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक ऐसे मामलों में ड्राइवर को जमानत भी मिल जाती थी और एकदम 2 साल की सजा का प्रावधान होता था। कई बार हम देखते हैं कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अगर एक्सीडेंट करने वाला समय पर अस्पताल पहुंचा देता है तो उसकी जान भी बच जाती है। हालांकि एक्सीडेंट के बाद मौके से भागने के केस को हिट एंड रन कहा जाता है। ऐसे ही केस में सख्ती का प्रावधान किया गया है। नए कानून में ड्राइवरों का सख्त कार्रवाई का विरोध लगातार जारी है और देश भर से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर 2 दिन से वहीं से नजर आ रही है। भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन कानून में जो नए प्रावधान है उसके मुताबिक अगर गाड़ी ड्राइवर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी वसूला जाएगा। इस कड़े प्रावधान का देश भर के ट्रक, ट्रेलर, बस, लोक परिवहन और टैक्सी ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में इस नए कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और हाईवे जाम किए जा रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, वो नहीं चाहते कि उसकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो, और अगर हम 7 लाख रुपये जुर्माना भर सकते होते तो फिर हम इतनी छोटी नौकरी कैसे कर रहे होते। उनका कहना है कि हमारे पास इतना पैसे नहीं होगा तो हम जुर्माना कैसे भरेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति की जान जाए। साथ ही साथ उनका कहना है कि अगर 10 साल की सजा हो गई तो हमारी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हमारे परिवार का क्या होगा। ऐसे तमाम तरह की बयानबाजियां जो है वो देखी जा रही हैं। जो ड्राइवर हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। उनको भी आप सुनिए और समझने की कोशिश करें कि स्थिति इस वक्त कैसी है। अब ये जो कानून हम लोगों के लिए आया है ये बहुत गलत आया है। हम लोग तो कभी मतलब कोई घटना चाहते ही नहीं है, लेकिन किसी कारण अगर हो जाती है तो उसको अगर हम लोग कोशिश भी करें उठाने की तो पता चले जनता हम लोगों को उठा देगी। और ये कानून हम लोगों के लिए बहुत गलत है। हम लोग ड्राइवर 5-7 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी करके अपने बच्चे पाल रहे हैं सभी लोग। अगर ये ड्राइवरों के ऊपर लागू हो जाए कि जैसे ड्राइवरों को ड्राइवर ने मार दिया, 7 लाख रुपए देना पड़ रहा है और 10 साल के जुर्माना, और उनके प्लस इसके बाद में हमारे बच्चे भी सजा भरेंगे 10 साल, और उसके बाद में भी अगर ड्राइवर मर जाता है तो उसके लिए क्या अलग कानून लागू कर रहे हैं ये लोग। हम सभी चालक बंद एक साथ होकर के और इस कानून का विरोध कर रहे हैं चक्का जाम के रूप में, और इसमें हमारे निगम के जितने भी कर्मचारी हो, चाहे जिस पद पर हैं और चाहे जो भी अधिकारी, सब हमारे साथ हैं। इतना कानून इनको नहीं लाना चाहिए था जो आपने किया। ड्राइवरों के बारे में ये नहीं सोचा कि चलो इनकी तनख्वाह बढ़ाएं, ये नहीं सोचा, और ये लाद दिया उनके ऊपर है, ड्राइवरों के ऊपर। वो कहाँ से लाएगा 10 लाख रुपये और 10 साल की सजा कैसे काटेगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने इतने सख्त प्रावधान क्यों जोड़े हैं? दरअसल दुर्घटना के आंकड़े बताते हैं कि हिट एंड रन के मामलों में हर साल देश में 50,000 लोगों की मौत हो जाती है। मौतों के इन आंकड़ों को देखते हुए ड्राइवर्स पर सख्ती करते हुए नए कानून में सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। ड्राइवर के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। नए कानून का विरोध करने वाले ड्राइवर्स का कहना है कि अगर दुर्घटना के बाद वो मौके से फरार होते हैं तो उन्हें 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर वे मौके पर ही रुक जाते हैं तो भीड़ उन पर हमला करके पीट पीट कर मार देगी। ड्राइवर्स के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। ये बात सही भी है। कई बार हमने देखा है कि उग्र भीड़ हिंसक रूप ले लेती है और मामला मॉब लिंचिंग का भी हो जाता है। ऐसी भी तस्वीर नजर आती है कि कई बार अगर किसी जगह से आप जा रहे हैं, ट्रक की चपेट में आकर किसी मासूम की मौत हो गई, कोई युवक चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई, तो वहाँ भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि उस ड्राइवर को पीट देती है बुरी तरीके से। कई बार तो ड्राइवर्स की मौत भी हो जाती है, तो मॉब लिंचिंग वाली स्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर्स का ये कहना है कि अगर हम रुकते हैं वहाँ पर तो भी हम मारे जाएंगे, अगर हम नहीं रुकते हैं तो नए प्रावधान के तहत अब मारे जा रहे हैं, आखिर हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर हम देखेंगे तो इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी बयानबाजियां है वो भी काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नए कानून जन विरोधी है, संविधान विरोधी है, नए कानून चालकों के मूल अधिकारों का हनन है। और राजस्थान सरकार ने तो सड़क दुर्घटना में मौतों को कम करने के लिए ड्राइवरों के हित में कानून प्रावधान किए हैं। दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए के नाम देने भी शुरू कर दिए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि अगर कोई गाड़ी ड्राइवर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उस गाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कांग्रेस इस पर कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस कह रहा है कि जब हम राजस्थान सरकार में थे तो हमने ये प्रावधान किए थे और सरकार ऐसे कानून लेकर आ रही है। खामियों से भरे कानून को लागू करके भारतीय जनता पार्टी
ड्राइवरों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसी वजह से सभी ट्रक ड्राइवर आज सड़क जाम करके बैठे हैं। आज अगर सच माना जाए तो अंग्रेजों के ज़माने का वो कानून भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, बिना मंथन, बिना विचार किए, बिना डिबेट किए पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आई है जिसका जन जन विरोध कर रहा है। जैसा कि ड्राइवर्स को अग्रिम जमानत का एक कानूनी तरीके से उनको अधिकार था, उसके ऊपर भी बिना मतलब के ये एक कुठाराघात किया जा रहा है। साथ ही ड्राइवर्स कई बार भीड़ से बचने के लिए, अपनी जान को जोखिम से बचाने के लिए और अपनी जान को बचाने के लिए कई बार दाएं बाएं इधर उधर हो जाते थे, उससे भी ड्राइवर्स के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा। ऐसे कानून ये जो लागू करके भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दे देता है तब कैसे हालात होंगे, जरा वो भी समझना जरूरी है। लोकसभा में इन कानूनों पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति से सड़क पर चलते हुए कोई हादसा हो जाता है और वो हादसे में पीड़ित व्यक्ति को उठाकर अस्पताल ले जाता है और पुलिस को सूचना देता है तो उस मामले में गाड़ी चालक के साथ रियायत बरती जाएगी, उसे सजा भी कम होगी। यानी कि अगर आपसे गलती से एक्सीडेंट हो जाए और आप पीड़ित को छोड़कर भागने की बजाय उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं तो आपको ना तो 10 साल की सजा होगी ना ही आप पर 7 लाख का जुर्माना लगेगा, ऐसा भी प्रावधान रखा गया। लेकिन ऐसा होता कब है? अगर वो वहाँ रुक जाए तो फिर भीड़ ही उसे ख़त्म कर देगी। ये भी तस्वीर हमने देखी है। देखिए, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये दोनों पहलू कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है, एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया, अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है, और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी, पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया। यात्रियों को तो परेशानी, वो तो गलत बात है, यात्रियों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है, हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे, तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कहते लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना हो। तो सरकार का साफ तौर पर कहना है कि रियायत बरती जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी आप किसानों के लिए कृषि कानून लेकर आए थे जिसका विरोध हमने देखा था, देशव्यापी विरोध था और 1.5 साल तक ये प्रदर्शन चलता रहा, तमाम मांगे किसानों ने उठाई और जब ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ क्योंकि वो अन्नदाता थे, तो आप लोग बैकफुट पर आए और बैकफुट पर आकर आपने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करने की कोशिश की और इस कानून को निरस्त कर दिया। क्या इसी के तहत ये कानून भी निरस्त हो जाएगा? क्योंकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो ट्रक ड्राइवर तो हैं ही, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनके द्वारा ही दुकानों तक पहुँचाई जाती है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इससे हमारी रोज़ की ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर चीज़ें स्टॉक में रखी गई तो वो महंगे दामों में बिकेगी, स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी, वैसे ही देश महंगाई की मार झेल रहा है। लोगों का ये कहना है अगर आगे चीनी, तेल, नमक, दूध इनके दाम बढ़ गए तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हालात ऐसे बद से बदतर बन रहे हैं तो इस पर आगे क्या एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल तो आज दूसरा दिन है इस हड़ताल का, आगे देखना है कि हड़ताल वाकई अनिश्चितकालीन तक चलती रहेगी या फिर इस नए कानून के लिए कोई ना कोई बयान जो है सरकार द्वारा आएगा और कोई ना कोई इसमें प्रावधान ज़रूर किया जाएगा।
भारत एट 9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।